तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत करता हूँ नई वीडियो पर। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिप्नोटिज्म के बारे में। हिप्नोटिज्म क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या इसके फायदे होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर विस्तार से बताऊँगा। साथ में ये भी बताऊँगा कि हिप्नोटिज्म का मिड ब्रेन एक्टिवेशन से क्या कनेक्शन है। और इस सब्जेक्ट को आप बिल्कुल भी मतलब आसान मत लेना, क्योंकि ये सब्जेक्ट अपने आप में पूरा एक अध्यात्म है, पूरा अध्यात्म है। इसको अगर आपने एक बार समझ लिया तो फिर मन क्या होता है, आत्मा क्या होती है, बुद्धि क्या होती है, और सम्मोहन क्रिया क्या है, वशीकरण क्या होता है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक्चुअल में क्या है, और तंत्र मंत्र किस तरीके से काम करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें ना इस एक ही सब्जेक्ट में से आप मतलब समझ जाओगे। और एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था मेरी ज़िंदगी में जब मैंने हिप्नोटिज्म को जानना शुरू किया था। और जब भी मुझे किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना होता है, समझना होता है, सीखना होता है, तो मैं उसको सिर्फ एक ही व्यक्ति से नहीं सीखता हूँ, कम से कम 15-20 लोगों से मैं मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, सबके व्यूज जानता हूँ, और कम से कम 20-30-50 किताबें मैं एक ही सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ लेता हूँ कि ताकि पता चल सके ये राइटर क्या बोल रहा है, ये राइटर क्या बोल रहा है। तो जब जहाँ पर सबसे ज़्यादा थिंकिंग मैच होती है उन चीज़ों को मैं फिर निकालता हूँ, और तब मेरे को मिलता है प्योर नॉलेज फिर मुझे उसकी मिलती है जब मैं इतने सारे लोगों से। तो ये जो मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ हिप्नोटिज्म के बारे में, ये भी एक निचोड़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में भी और जिंदगी में भी। सीधे सीधे बात करते हैं, सबसे शुरू में हम लोग बात करेंगे कि हिप्नोटिज्म का मतलब क्या होता है। देखिए हिप्नोटिज्म का मतलब होता है, हिप्नोटिज्म जो शब्द है ना वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है हिप्नोटिज्म, और इसका मतलब होता है कृत्रिम नींद। हिप्नोटिज्म का मतलब होता है कृत्रिम नींद, यानी कि जिस नींद को क्रिएट किया गया है। तो हिप्नोटिज्म वो वाला नहीं है जैसे आप सोचते हो, वशीकरण। वशीकरण का मतलब होता है कि आप किसी से भी कुछ भी करवा सकते हो। देखो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है यूट्यूब के ऊपर भी हिप्नोटिज्म के बारे में, कुछ लोग बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, कुछ ने बताया ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं जो आपको बताऊँगा वो सीधे सीधे शब्दों में बात करूँगा कि वशीकरण होता है किसी को आप वश में करते हो, और फिर इतना वश में कर लेते हो कि आप उससे कुछ भी करवा सकते हो, अच्छा बुरा जैसे भी। तो वो एक अलग चीज़ होती है, ये होती है सम्मोहन विद्या। सम्मोहन विद्या भी एक हल्का वशीकरण ही होता है, लेकिन यहाँ पर वो वशीकरण वाली बातें नहीं है, ये पूरा साइंटिफिक सब्जेक्ट है। तो इसको यहाँ से समझते हैं कि इसका लेन देन ना पूरा नींद के ऊपर ही है, नींद नींद के आगे इर्द गिर्द ही ये सब्जेक्ट पूरा घूमता है हिप्नोटिज्म, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कृत्रिम नींद, यानी कि जिस नींद को क्रिएट किया गया है। एक होती है नींद जो स्वाभाविक नींद होती है, ठीक है ना, पूरा दिन वर्क करने के बाद में हमारी बॉडी को रिलैक्स चाहिए होता है तो हम रात में सो जाते हैं, वो जो रात में जो हम लोग सोते हैं थकने के बाद में, तो उसको बोलते हैं स्वाभाविक नींद, यानी कि अपने आप आ गई है। लेकिन यहाँ नींद का मतलब उल्टा मतलब है, यहाँ पर नींद आ नहीं रही है, यहाँ पर नींद लाई गई है, ज़बरदस्ती क्रिएट की गई है। नींद लाने का मतलब सिर्फ यही होता है कि जैसे आपने सुना भी होगा, आप जानते हो कि हमारे जो मन होता है तो मन को यहाँ पर हम दो नामों से जानेंगे, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन, ठीक है ना। चेतन मन मन का मतलब होता है, देखो मन तो वैसे बहुत बहुत तरह के बना रखे हैं लोगों ने, लेकिन दो चीज़ों को आप समझो बस खाली, एक अवचेतन मन को एक चेतन मन को। चेतन मन का मतलब होता है जागृत मन, यानी कि जो महसूस करता है। अभी जैसे आप सुन रहे हो, कानों से सुन रहे हो आप मेरी बात, ठीक है ना, आपको अभी कोई टच करे तो आप टच कर आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई किसी ने मुझे टच किया है। तो वो ये आपकी ये जागृत अवस्था है, यानी कि इस टाइम पे चेतन मन ज़्यादा ज़्यादा सक्रिय है, ठीक है ना। फिर जब आप रात में सो जाते हैं तो रात में कौन सी चीज़ सोती है, रात में सोता है आपका चेतन मन, बॉडी के साथ में आपका चेतन मन, जो चेतन अवस्था थी वो आप सो जाते हो। फिर आप रात में अगर जैसे आप सोए हुए हो तो आप कुछ महसूस नहीं कर पाओगे, सपोज कोई आता है आपके बारे में ही चाहे रूम में रहकर आपकी बुराई करे, लेकिन आपको कुछ नहीं सुनाई देगा क्योंकि सारी जो इंद्रिय हैं वो सब सो गई है। अभी रात भर जो है ना वो अवचेतन मन काम करता है, फिर वो 24 घंटे काम करता है, वो ना सोता है वो 24 घंटे काम करता है। तो अवचेतन मन कैसे काम करता है, देखो उसका मन वो ज़्यादातर काम करता है कल्पनाओं में। दिन में भी जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और अगर मैं कोई एग्जाम्पल लेने लगूँ और एग्जाम्पल में मैंने किसी का नाम ले दिया, जैसे पीएम मोदी जी का नाम मैंने ले लिया, या कोई कोई स्टार है, सचिन तेंदुलकर हो गया, या फिर कोई
कोई भी एनीथिंग, मैं किसी का भी नाम लेता हूँ तो उसका चेहरा जिसको आप जानते हो उसका चेहरा अचानक से आपके दिमाग में आ जाएगा, अभी भी आ गया होगा, जैसे मैंने दो नाम लिए तो आपके दिमाग में वो चेहरे एकदम आ गए, तो वो जो चेहरे जो आए हैं वो आपके अवचेतन मन में आए हैं, ठीक है ना। अभी रात में क्या होता है कि जब आप सो जाते हो तो अवचेतन मन पूरी रात जो है ना वो सपनों के माध्यम से अपना काम करता रहता है, क्यों, आप तो सोए हुए हो, आपसे तो वो बात नहीं कर सकता कुछ अभी फिलहाल, ठीक है ना। तो रात भर क्या है, आपको सपना दिखाता है, उसमें तरह तरह की चीज़ें वो करता रहता है, वो तो मतलब वो जागृत रहता है, वो सक्रिय रहता है हमेशा। अभी होता क्या है कि हमारा अपना अवचेतन मन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करने का तरीका सिर्फ एक ही है, हिप्नोटाइज करना। तो इसमें ना दो चीज़ें हो गई, एक आदमी हिप्नोटाइज करता है आपको, तो वो आपके अवचेतन मन के ऊपर कंट्रोल करता है, ठीक है ना। एक होता है आत्मसम्मोहन, सेल्फ हिप्नोटिज्म, ठीक है ना, यानी अपने आप को सम्मोहित करना और तब अपने अपने मन के ऊपर काबू पाना। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, खुद को हिप्नोटाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। बेटर है कि अपने आप को हिप्नोटाइज करना सीख लिया जाए, आप दूसरों के हाथों में क्यों जाओ, ठीक है ना। तो जो आपको चाहिए वो आप खुद ही कर लो। अब बात यह है कि अवचेतन मन पर कंट्रोल करना क्यों है, क्योंकि देखिए सबसे पावरफुल चीज़ जो है ना वो हमारा जो मन है, और स्पेशली अवचेतन मन, ये इतना इतना मतलब इसके अंदर इतनी पावर होती है कि सपोज करो सारी जिंदगी, मतलब सपोज नहीं, मतलब ऐसे मानो कि आपकी सारी जिंदगी को यही कंट्रोल कर रहा है। और जितनी भी पावर्स जो आती है ना, जो भी मैं आप लोगों से बातें करता हूँ मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में, ठीक है ना, और टेलीपैथी के बारे में, टेलीकिनेसिस के बारे में, ये जो सब चीज़ें जो मैं करता हूँ ना वो अवचेतन मन से ही वो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो अवचेतन मन पर, अवचेतन मन एक ऐसा मन है कि उसके अंदर अगर आपने कोई बात बिठा दी या अवचेतन मन अगर किसी बात को ठान लेता है तो वो करके ही रहता है, फिर वो होकर ही रहता है। तो अभी भी आपकी जो पर्सनैलिटी है, जैसे भी आप हो, आप गुस्से वाले हो या आप बहुत मजाकिया हो या जो भी आप करेक्टर वाइज या व्यवहार जो भी आपका है, वो आपका अवचेतन मन की वजह से ही है। वो चीज़ें आपके मन के अंदर बैठी हुई है कहीं ना कहीं, अब वो आपका व्यवहार आप चाहकर भी चेंज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो जैसे मतलब कुछ लोग ड्रिंक करते हैं तो उनका मन जो है ना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, या अवचेतन मन में वो सारी चीज़ें बैठ चुकी है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं तो भैया ठीक कर रहा हूँ। अब कोई भी आपको समझा रहा है आप मान नहीं रहे हो। अब आपको क्या करना है, अल्कोहल छोड़ने के लिए आपको क्या करना है, अपने अवचेतन मन के अंदर ये बात डालनी है कि ये चीज़ बुरी है और इस चीज़ को हाथ नहीं लगाने देना है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि हमारा कंट्रोल नहीं है अभी उसके ऊपर, तो वो हमारी बात नहीं मानता है, तो वो अंदर बैठ चुकी है वो बातें, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ें अंदर बैठ जाती है एक बार, यानी कि कहाँ बैठ जाती है, अवचेतन मन के अंदर जो भी बात पहुँच जाती है, फिर आप वैसे ही बन जाते हो उम्र भर के लिए, ठीक है ना। तो अगर चेंज भी करना है आपको, जैसे हिप्नोटिज्म में ना एक वर्ड होता है हिप्नोथेरेपी, तो हिप्नोथेरेपी का मतलब होता है कुछ चीज़ों का इलाज करना, जैसे कुछ बुरी आदतें हैं वो आपकी दूर करना, तो वो उसके जरिए पॉसिबल है। तो वे आपके अवचेतन मन के अंदर डाल सकते हैं, कोई भी आपको हिप्नोटाइज करके आपके मन के अंदर ये डाल सकता है कि भाई दारू मतलब नशा जो है ना किसी भी प्रकार का हो वो एक बुरी चीज़ है और आप कभी नहीं करते हो, आप उनसे दूर रहते हो, आप बहुत हेट करते हो इन चीज़ों से, तो वो चीज़ें जब आपके अवचेतन मन के अंदर बैठ जाएगी तो आप डेफिनेटली वैसे ही करने लगोगे। और इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, हिप्नोटिज्म के अंदर इतने सारे प्रयोग हो चुके हैं कि आपको, आप बिलीव नहीं करोगे। हिप्नोटाइज करके अब आपको पता चलेगा आप मन के अंदर कितनी शक्ति होती है। हिप्नोटाइज करके उसको ये बोला जाए कि भाई आपको दर्द का एहसास नहीं होता है कभी भी कुछ भी, तो आप जो है ना सुई होती है ना, सुई निडल जो होती है ना वो आर पार कर सकते हो हाथ के या कुछ भी, उसको दर्द महसूस नहीं होगा। इवन आप काट भी दोगे ना हाथ को, ऐसा नहीं करना चाहिए, सॉरी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, मतलब आप समझो इस तरीके को, तो उसको महसूस नहीं होगा क्योंकि आपने उसको बोल दिया है कि आपको दर्द वगैरह नहीं होता है और उसने अंदर से मान लिया है कि हाँ मेरे को नहीं होता है दर्द, तो वो महसूस ही नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। इससे बड़ी बात जो सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात है वो ये है कि ध्यान से सुनना दोस्तों, कि एक पेंसिल आपने उसको दे दी, हिप्नोटाइज जिसको किया हुआ उसके हाथ में आपने एक पेन दिया, पेन, और उससे बोला ये गर्म लोहे की रॉड है, ठीक है ना, गर्म लोहे की रॉड है ये, और इसको आप
पकड़ो, आपका हाथ जल जाएगा, और ऐसे करके आप उसके हाथ पर वो पेंसिल को, पेन को रख दोगे जब उसको, तो वो पकड़ेगा और पकड़ते ही उसको जलन महसूस होगी और वो उसको दूर फेंक देगा। या अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब सबसे मेन बात ये है, जब आप उसका हाथ देखोगे तो हाथ पर जले हुए के निशान भी आ जाएंगे। आप बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करोगे इसमें, लेकिन इस तरह के प्रयोग साइंस के अंदर हो चुके हैं ऑलरेडी, आप समझ सकते हो। फिर और बताऊंगा, एक एग्जांपल और दूंगा, फिर सब्जेक्ट को आगे लेके चलेंगे। किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करके आप पानी देते हो, खाली पानी, बस प्योर वाटर जो होता है वो आप उसको पीने के लिए देते हो, और उससे बोलो कि ये सेब का जूस है, एप्पल का जूस है। वो उसको पिएगा, उसको वही टेस्ट आएगा क्योंकि आपने उसको बताया कि ये एप्पल का जूस है, उसको टेस्ट भी सेम ही आएगा। और सबसे बड़ी बात जो होती है, सबसे बड़ी बात ये है कि वो अगर डेली उसको सेब का जूस मानकर पिएगा तो वो उसके शरीर में भी लगता है। जी हाँ, इसी वजह से बहुत सारे साधु महात्मा आपने सुने होगा कि उसको 10 साल हो गए कुछ खाए पिए, या वो समाधि में गया हुआ है, उसकी हार्ट बीट भी जो है ना 30 या 35 रह गई है खाली। वो कंट्रोल कर लेते हैं अपने मन के अंदर, और अपने मन को वो इतना कर लेते हैं कि मैं मतलब हवा से ही सब कुछ एनर्जी मुझे को मिल रही है, पूरी बॉडी के अंदर पानी जो पी रहा हूँ वो अपने आप में मुझको सब कुछ दे रहा है, उनको खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती, वो महसूस ही नहीं होता। तो मन इतना बलवान होता है, ये तो सुना ही होगा आपने, मन इतना बलवान होता है। लेकिन ये एग्जाम्पल आप सर्च करना यूट्यूब पर, कुछ और चीज़ें अभी आपको मिल जाएगी। अब ये होता कैसे कैसे है? अब यहाँ पर हिप्नोटिज्म की जो है ना 3 अवस्थाएं होती है दोस्तों। अभी ऊटपटंगे नाम दे रखे लोगों ने, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे, अल्फा बीटा गामा डेटा, वो पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। लेकिन सीधी सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगा, इसके तीन तीन लेवल होते हैं। मतलब पहला होता है सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था का मतलब एक हल्का सा हिप्नोटिज्म, लेवल 1 उसको बोल सकते हो, वो हल्का हिप्नोटिज्म होता है, और इसके तहत आप उसके छोटे छोटे आदतों को, बीमारियों को उसको निकाल सकते हो। बहुत ज़्यादा गुस्सा, गुस्से वाला है उसको कंट्रोल कर सकते हो, ये इसमें पॉसिबल है, इसको कोई हिप्नोथेरेपी बोलते हैं। ये इजी भी है, आसान, मतलब आसान है। पहले लेवल में किसी व्यक्ति को लेकर के जाना सामान्य अवस्था में, वो ठीक है। उसके बाद होती है गहरी अवस्था। गहरी अवस्था तक बहुत कम लोग लेके जा पाते हैं। गहरी अवस्था ये वो वाली अवस्था है जिसमें आप अगर उसको कुछ आदेश देते हैं, या जैसे अमेरिकन पुलिस के अंदर, अमेरिकन जो अमेरिका है और भी कई देश है जिनकी सीक्रेट एजेंसी जो होती है ना, वो ज़्यादातर हिप्नोटिज्म का प्रयोग करने लगे हैं। जैसे सपोज करते हैं किसी आदमी को पकड़ लिया और घटनास्थल पर वो मौजूद था, लेकिन अभी उसको कुछ चेहरे ना धुंधले धुंधले से आ रहे हैं, वो प्रॉपर बता नहीं पा रहा है, तो उसको हिप्नोटाइज किया जाता है। हिप्नोटाइज करने के बाद में उसको दोबारा उसी घटना पे भेजा जाता है, और उस घटना को वो अपनी आंखों से होता हुआ देखता है, और तब चेहरे याद कर करके वो बताता है, उसके स्केच वगैरह बना करके फिर अपराधियों को ढूंढते हैं। तो ये भी चीज़ें होती है। एक बार का सीन था, कुछ एक छोटी बच्ची थी, 7-8 साल की कोई बच्ची थी, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई थी, उससे भी ज़्यादा हुआ था कुछ। तो अब वो इतनी डरी हुई थी ना, तो वो कुछ बोल पा रही थी ना किसी के चेहरे बता पा रही थी, उसको याद नहीं था। तो उसको हिप्नोटाइज किया गया। हिप्नोटाइज करने के बाद में उसको उस घटना पे भेजा गया दोबारा, फिर उसने विस्तार से एक एक चीज़ें बताई कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था, और 3 लोग थे, और चेहरा उनका ऐसा था, फिर उनको बाद में पकड़ा भी गया। तो ये कॉमन हो गया है वहाँ पर। पहले तो हमारे यहाँ भी, मतलब हमारे यहाँ पे अलाउ नहीं था, तो सबसे पहले मुझे साल तो याद नहीं कौन सा, फिर सबसे पहले कोलकाता यूनिवर्सिटी से इंडिया में इसकी फिर शुरुआत हुई थी। अब तो पढ़ाया जाने लगा है, ठीक है ना, अब तो पढ़ाते हैं मनोविज्ञान के नाम से जो होता है ना, वो उसमें हिप्नोटिज्म को सिखाया जाता है। खैर, तो ये गहरी अवस्था होती है। इस गहरी अवस्था में ये चीज़ें की जा सकती है, मुमकिन है। इसके अलावा एक होती है अतीन अतीन इंद्रिय अवस्था, वो होती है अति गहरी अवस्था, मतलब एकदम मूर्छित अवस्था होती है वो, जिसको बोलते हैं समाधि लेना। वो एक अवस्था, ऐसी अवस्था है जहाँ पर इंसान को आपने हिप्नोटाइज किया है और इतनी गहरी नींद में लेके गए हो कि जिसको मूर्छित अवस्था भी बोलते हैं, वहाँ पर आप उसके हार्ट बीट को भी कंट्रोल कर सकते हो। आप टेम्परेचर तो गहरी अवस्था में भी हो जाता है इजीली, बट यहाँ बहुत स्ट्रोंगली होता है। मतलब सपोज आपने बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी हुई है, और आपने उसको ये बोला कि भाई बहुत गर्मी है, तो उसको अचानक गर्मी लगने लगेगी,
बहुत गर्मी, पसीना भी आने लगेगा, या बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप उसको ये बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे बहुत ठंड है, बर्फ़ पड़ रहा है, ये है वो, तो गर्मी में भी ना उसको इतनी ठंड लगने लगेगी कि उसको कपकपी आ जाएगी बुरी तरीके से। तो वहाँ पर, लेकिन यहाँ इस लेवल तक पहुँचाना किसी को वो कोई आसान खेल नहीं है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। इस अवस्था में जैसे एक व्यक्ति थे, यूरी गेलर उनका नाम था, उन्होंने बड़े रिसर्च किए हैं भाई हिप्नोटिज्म के ऊपर। यूरी गेलर अभी भी है, बहुत सारे लोगों ने उसके बाद ना, जो भी अच्छे से हिप्नोटाइज कर लेते हैं या इस फील्ड के अंदर होते हैं तो अपना नाम यूरी गेलर रख लेते हैं, तो अभी भी है बहुत सारे। बट वो वाले जो व्यक्ति थे उनको बोला जाता था, कुछ बोला जाता था मैजिक मैजिक बॉय या करके, अभी मेरे याद नहीं, पता नहीं क्या कुछ ऐसा ही मतलब नाम रखा होता। तो उन्होंने हिप्नोटिज्म की बहुत गहरी अवस्था में, यानी मूर्छित अवस्था जिसको बोलते हैं, उसमें जाने के बाद उन्होंने ऐसा भी किया है कि करंट में, अभी फिलहाल में क्या हो रहा है दूसरी जगह पे, मतलब वो बैठा यहाँ है और वो यूरोप अमेरिका के किसी भी शहर जहाँ वो कभी नहीं गया, वहाँ पर वो जाकर घटनाओं को देख सकता है लाइव। जैसे महाभारत में संजय ने आंखें बंद करके पूरे महाभारत का युद्ध का हाल वो बताया था उनको, ठीक है ना, धृतराष्ट्र को शायद शायद, ठीक है। तो बिल्कुल सेम होता है ऐसे, वो लाइव देख सकता है, इवन वो भविष्य में जा सकता है, वो भूतकाल में जा सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन ये अवस्था बहुत मुश्किल अवस्था है, सुनने में बड़ा एक्साइटमेंट लगता है, ऐसा लगता है कि यार मुझे करना है ये, तो मुमकिन है लेकिन बहुत 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 मुश्किल है, ठीक है। तो ये हो गई तीनों अवस्थाएं हिप्नोटिज्म की, ठीक है ना, आप समझ गए, अब यहाँ तक समझ गए हैं। अब हिप्नोटाइज किसको किया जा सकता है और किसको नहीं किया जा सकता, अब ये बात करते हैं। देखो हिप्नोटाइज जो है वो 10 साल से ऊपर का जो है वो कोई भी एज लिमिट हो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा हिप्नोटाइज जब आप करते हो तो स्टार्टिंग शुरुआत में आप 10 लोगों पर ट्राई करोगे तो 2 या 3 के ऊपर कर पाओगे बस, ठीक है ना। और इसको करने की एक खास तरीका होता है जो बिल्कुल साइंटिफिक तरीका है, ये वो वाला नहीं है कि दूर कहीं कोई आदमी बैठा हुआ है और आपने बस उसकी आंखों में देख लिया एक बार और बस वो हिप्नोटाइज हो गया। इसके लिए तो आपको अपने मन की शक्तियों को बहुत बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे आप लोगों को जागृत करना पड़ेगा। और मुझसे प्लीज़ ये मत पूछना मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपना जो अब तक का जो टाइम है ना वो ज्ञान को अर्जित करने में लगाया ना इतना, तो मैं उसको आप लोगों को सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसकी थोड़ा सा रेस्पेक्ट करें, ठीक है ना। ये नहीं, कुछ बच्चे लोग होते हैं ना, क्योंकि बच्चों की लैंग्वेज ही ऐसी हो सकती है जो कई बार ऐसे बोलते हैं पहले तू करके दिखाओ, तो ये प्लीज़ ये बदतमीजी ना करो आप। और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करो पहले, क्योंकि जो मैंने वीडियो में बताया हुआ ऑलरेडी उसको भी कमेंट में पूछते हैं फिर, सर ये बात तो बता दो एक बार, अरे भाई पूरी नहीं देखी क्या, बता तो रखा है उसमें, तो प्लीज वीडियो को पूरा आप देखना। हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे किसको हिप्नोटाइज कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम लोगों को हिप्नोटाइज कर सकते हो आप, मतलब एज वाइज। ग्रुप में भी आप हिप्नोटाइज कर सकते हो, जैसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो सभी को आपने हिप्नोटाइज कर दिया, वो कर सकते हो आप। लेकिन आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, आपको हिप्नोटिज्म की समझ होना बहुत ज़रूरी है, और आपको अपने मन पर कंट्रोल आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ जिनको इस फील्ड के अंदर जाना है, त्राटक उनके लिए बहुत हेल्प करेगा। वैसे बिना त्राटक के भी आप अब से ही स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन त्राटक अगर आप कर लेते हो 2 3 4 लेवल भी अगर आपने कर लिए हैं तो आप इजीली फिर कर सकते हो। एक तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, थोड़ा सा आपको अपने मन पे कंट्रोल करना आता है, थोड़ा सा आप क्लियर होते हो कि जागृत मन कैसे काम करता है, चेतन मन कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह, ठीक। हिप्नोटाइज किया कैसे जाता है, देखो जब इसकी खोज हुई थी, और प्लीज़ आप कुछ लोग ये मत कहना अरे उसकी खोज नहीं हुई थी तो हमारे इंडिया में पहले से ही है, ठीक है ना, जानता हूँ मैं हमारे इंडिया में पहले से ही है, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने एक्चुअल तरीका बताया है हिप्नोटाइज करने का। पहले वाले लोग हिप्नोटाइज करके निकल लेते थे, किसी को सिखाते थोड़ी ना थे कि भाई मैं कैसे कर लेता हूँ, लेकिन तो यहाँ के साइंटिस्टों ने कुछ खोज की है
सन 1862 या कुछ ऐसा ही वो था जब डॉक्टर मेस्मर ने इसको खोजा। तो तब जो है ना स्टार्टिंग में क्या होता था कि क्रिस्टल बॉल होता ना वो ऐसे पेंडुलम हिला करके ये तो ऐसे हिप्नोटाइज करते थे। फिर उसके बाद में पास क्रिया आई, फिर ऐसे करने लगे, फिर कुछ और खोज हुई, फिर बाद में पता चला कि ना इससे फ़र्क पड़ता है ना उस पास से कुछ फ़र्क पड़ता है। पहले लोगों को लगता था हाथ में से कुछ एनर्जी निकलेगी, शक्ति निकलेगी, उससे हिप्नोटाइज हो गया, घंटा कुछ नहीं निकलता। सामने वाला बंदा हिप्नोटाइज होना चाहता है कि नहीं होना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। आप हर किसी को नहीं कर सकते, अगर वो होना चाहता है हिप्नोटाइज तो वो कर सकता है, मतलब वो होगा, और अगर नहीं चाहता वो तो आप नहीं कर पाओगे, समझ गए ना। दूसरी चीज़, कुछ लोग सोचते हैं कि किसी को हिप्नोटाइज कर लिया अब आप उससे कुछ भी करवा सकते हो, मतलब कुछ भी इन द सेंस कुछ भी करवा सकते हो। जी नहीं, आप गलत है, आप कुछ भी नहीं करवा सकते हो, आप कुछ करवा सकते हो। आप समझ रहे हो ना, शब्दों में तो नहीं उलझ रहे, बताता हूँ मैं। सपोज करते हैं किसी व्यक्ति ने कसम ही खा रखी है कि मैं जो अल्कोहल या नशे से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसको मैं कभी छूंगा ही नहीं, उसने बंदे ने कसम खा रखी है जो उसके अवचेतन मन में जो उसके बैठी हुई है। अभी आपको किसको कंट्रोल करना है, चेतन मन को तो सुला देना है, अवचेतन मन तक पहुंचना है। अब अवचेतन मन में उसके पहले से ही कौन सी चीज़ बैठी हुई है कि वो ज़िंदगी में अल्कोहल को हाथ नहीं लगाएगा। अब आप उसके सामने सोचो यार इसको तो हिप्नोटाइज कर दिया मैंने, अब इसको दारू पिला दो, तो ला के आपने रख दिया, बोले लो जी लो भाई पियो, तो शायद वो बढ़े आगे बढ़े, पैक वगैरह उठाए, लेकिन वो मुंह से नहीं लगाएगा। उसकी जो मूर्छा है, चेतन अवस्था है, वो अवचेतन ना चेतन को लात मार के जगा देगा, बोले देख उठ साले, देख क्या हो रहा है तेरे साथ, ठीक है ना। तो जग जाएगा बंदा। अब देखो दो तरह के सीन होते हैं, ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों ने ड्रिंक कर ली ऐसे करने से, ठीक है ना, लेकिन कैसे, वो बंदे ने कसम नहीं खाई हुई है, पीता नहीं है, दोस्त लोग पीते हैं उनके बीच में बैठता है, लेकिन ऐसी कुछ खास कसम नहीं खाई हुई है कि मैं वो हाथ ही नहीं लगाएगा कभी, चाहे मर जाऊं। तो इसलिए वो हिप्नोटाइज था, उसको बोला पी ले, उसने पी ली, बात खत्म हुई, छुट्टी। अब जैसे क्या है कि मैं बोलूँ किसी को हिप्नोटाइज कर दिया और उससे बोलो कि भाई सामने वाले का कत्ल कर दे जाके, ठीक है। अब जिस बंदे ने कसम खा रखी है वो जीव को, वो कत्ल तो करना दूर है, वो गाली तक नहीं देता, वो इतना वो जो प्रेम करता है जीवों से भी, जो जो जानवर होते हैं, वो जीव तो हम भी हैं, जो जानवर होते हैं उनसे भी, ठीक है ना। तो वो बंदा कत्ल नहीं कर सकता किसी का, नहीं मार सकता, तो वो मारने को उठेगा जाएगा लेकिन उसकी मूर्छा जो है ना टूट जाएगी। अब कुछ लोग होते हैं आपराधिक प्रवृत्ति के, मारा नहीं है उसने किसी को, लेकिन हाँ उसने जरूर सोचा हुआ है कि भाई सामने कुछ आ गई ना बात तो मैं मार भी सकता हूँ, ऐसा वो है मेंटली। वो मारा नहीं है उसने किसी को, लेकिन वो मारने में हिचकेगा भी नहीं। तो आपने उसको हिप्नोटाइज किया और उससे बोला कि बंदे का कत्ल कर दे, तो शायद वो कर देगा क्योंकि वो उसकी प्रवृत्ति है, समझ रहे हो ना, वो प्रवृत्ति है उसकी। तो इस चीज़ को समझो आप, तो गलत नहीं करवा सकते हो आप कुछ भी। हाँ उधर मत जाओ, कुछ गलत नहीं करवा सकते हो आप किसी से, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ शक्तियों का यूज कर सकते हो, अपनी हैबिट को बदलो, जो आपको लगता है कि ये मेरी आदत जो है ना वो मेरी सक्सेस में के बीच में आ रही है, मैं बहुत आलसी हूँ, तो उस आलस को दूर करो, अपने मन को स्ट्रोंग करो, उस चीज़ के लिए यूज करो, ठीक है ना, ना कि कुछ गलत करवाने के सेंस से। हाँ भूत भविष्य वगैरह वो सब देख सकता है बंदा, तो अपने आप को भी अगर हिप्नोटाइज करना चाहते हो आप, तो आप सामान्य स्थिति में भी जा सकते हो, गहरी स्थिति में भी जा सकते हो, और बहुत गहरी अवस्था यानी मूर्छा मूर्छित अवस्था जो होती है उसमें भी आप खुद को लेके जा सकते हो, और आपका कंट्रोल रहेगा अवचेतन मन के ऊपर। तो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन में और हिप्नोटिज्म में क्या फ़र्क है। अभी देखो मिड ब्रेन एक्टिवेशन में क्या होता है कि आँख बंद करके बंदा देखने लगता है, ऐसा ही तो है ना कुछ, तो बच्चों के लिए इजी रहता है क्योंकि उनका ब्रेन बड़ा सॉफ्ट है और अभी तक उसके सारे कलपुर्जे जो है ना वो अच्छे से काम कर रहे हैं। अब हम जो है ना बड़े हो गए हैं, तो हमारे कलपुर्जे जो है ना वो अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, तो हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है एक्सरसाइज वगैरह करके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, मिड ब्रेन एक्टिवेशन तो आपने समझा ही है, मैंने काफ़ी वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। हिप्नोटाइज जब आप करने जाते हो किसी व्यक्ति को, तो वहां पर आप कुछ शब्द बोलते हो, कुछ शब्द बोलते हो आप, नींद से ही रिलेटेड बात करते हो, बंदे को लेटाओ अच्छे से। देखो प्रॉपर कैसे करना है तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है कि सारा का सारा इसमें ही आ जाएगा।
वो तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं, अभी मोटे मोटे तौर पे समझ लो हिप्नोटिज्म है क्या, और काफ़ी कुछ आप समझ भी गए होंगे शायद। तो व्यक्ति को अगर वो बैठने में मतलब जो उसको रिलैक्सेशन दे, अगर बंदा लेट कर ठीक है तो ठीक है, अगर चेयर पे बैठकर वो ऐसे आराम से बैठना चाहता है तो तब भी ठीक है। अभी क्या है ना कि उससे नींद से जुड़ी ही बातें करनी है, कुल मिलाकर नींद से ही जुड़ी बातें करनी है। वो क्या क्या करनी है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो धीरे धीरे उसको नींद आने लगेगी, चेतन मन जो है ना धीरे धीरे सोने लगेगा, धीरे धीरे सोने लगेगा। लेकिन आप उससे बात करते रहोगे फिर भी, करते रहोगे फिर भी, तो चेतन मन बातों बातों में सो जाएगा और अवचेतन मन से आपका कनेक्शन हो जाएगा, वो सो जाएगा, अवचेतन मन जगता रहेगा। देखिए क्या होता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको रात को सोते हुए चलने की आदत होती है। कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ लोग रात को उठेंगे और कुछ काम भी करेंगे, जैसे पानी पी लिया या कुछ, और किसी ने कुछ पूछ लिया तो उसका जवाब भी दे देंगे वो कि मैं पानी पीने आया था, लेकिन फिर आके सो जाएंगे। इसमें क्या होता है कि अभी जो है ना आपकी बॉडी को आपका अवचेतन मन चला रहा है, चेतन मन सोया पड़ा है, अवचेतन मन ही आपको उठा रहा है, सारे से लेके जा रहा है, फिर वापस आ गए, आप सो गए। अभी चेतन मन जो है ना मूर्छित अवस्था में था तो उसके उसको पता ही नहीं है फिर वो किधर गया और कब आया और क्या नहीं है, वो सुबह उठ के कोई उसको बताएगा भी तो उसको विश्वास नहीं होगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे होता है कि आपका अवचेतन मन से कनेक्शन हो जाता है, फिर आप उससे कुछ पूछोगे तो उसका वो आंसर भी देगा, उसका वो जवाब भी देगा, लेकिन और उसने क्या जवाब दिया है और क्या आपकी बातें होंगी वो जागृत होने के बाद में जब वो जगेगा तो उसको पता नहीं रहेगा कि उसकी क्या बात हुई, क्योंकि चेतन मन तो सोया हुआ था, उसके सामने थोड़ी नहीं हुई है। ये होता है चीज़ें। अब जब अवचेतन मन तक पहुंच गए हो आप उसकी किसी प्रवृत्ति को चेंज कर सकते हो, जैसे हिप्नोटिज्म की गहरी अवस्था में लेके जाने के बाद में आप बोलो आँख बंद करके कि मतलब आँख बंद उसकी हुई, उसकी है आपकी नहीं, वो आँख बंद किए हुए लेटा हुआ आराम से गहरी अवस्था में आप लेके गए हो और किसी पुरानी घटना के बारे में कुछ जानना चाहते हो, जब वो छोटा था 3 साल का 2 साल का 1 साल का, वहाँ तक आप लेके जा सकते हो। कहीं दूसरी जगह को देखाना चाहते हो आप तो वो उसको वो देख सकता है, मतलब उसको वो कुल मिला के वो अपनी थर्ड आई के थ्रू देख सकता है कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो, इस टाइप की चीज़ें। अब मिड ब्रेन एक्टिवेशन में क्या है, उसमें भी वही है ना। तो क्या होता है कि यहाँ पर हिप्नोटाइज करने के लिए एक साथ में है जिसको हिप्नोटिस्ट बोलते हैं, जो हिप्नोटाइज आपको कर रहा है, ठीक है ना। तो बंदा साथ में है ना आपके, तो वो हिप्नोटाइज आपको कर रहा है, नींद से रिलेटेड बातें कर रहा है सब कुछ, ठीक। ऐसे ही मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता है। यहाँ पर हिप्नोटिस्ट कौन है, यहाँ पर हिप्नोटिस्ट है आपका वो म्यूजिक और वे एक्सरसाइजेज जो सेम काम करते हैं। पहले कुछ एक्सरसाइज के थ्रू वे आपको बाहर की दुनिया से यहाँ पे लेके आएंगे, समझ गए ना, सब कुछ भुला देंगे। कुछ एक्सरसाइज होती है इस टाइप की, ब्रेन जिम होता है, तो आपका सारा ध्यान जो है वहीं पे रहेगा, यानी कि इस टाइम पर आपके दिमाग के अंदर है ना बहुत कम थॉट्स हैं। तो फिर उसके बाद में आप आईबॉल एक्सरसाइज करते हो, यूँ ऐसे पुतलियाँ घुमाना ये सब करके, तो बंदा थकने लगता है, फिर आप लेट जाओगे, ठीक है ना, आप लेट जाओगे। यहाँ पर 5-7 मिनट का त्राटक भी कराया जाता है पहले, तो उससे ना आंखें थकने लगती है, देखते हो आप, फिर आपको लिटाया जाता है, फिर आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, फिर आपको म्यूजिक सुनाया जाता है। वो म्यूजिक बिल्कुल हिप्नोटिस्ट की तरह काम करता है, पहले हल्का हल्का सा बजेगा, हल्का हल्का सा, बड़ा आपको आनंद आएगा, रिलैक्सेशन, ऐसा लगेगा हाय भाई यही चलता रहे, फिर अचानक से उसकी आवाज़ चेंज होगी, ठीक है ना। और जैसे हिप्नोटिज्म के अंदर होता है ना कि आप किसी को सुला रहे हो तो कई बार बोलना पड़ता है आपको नींद आ रही है, आप सो रहे हो, आपको नींद आ रही है, आप सो रहे हो, प्रॉपर तरीका अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ऐसे ही उसमें अंदर बोला जाता है कि आपको नींद आ रही है, आप सो जाओ, आप सो जाओ, आप सो जाओ, बार बार एक ही बात को रिपीट करना होता है। ऐसे ही इस म्यूजिक को भी 4 बार रिपीटेशन पे डाला गया है, 4 बार रिपीट होता है। कुछ लोग बोलते हैं सर ये तो सेम ही म्यूजिक है, बार बार वही बजता है। हाँ, वो इसलिए तो बजता है बार बार, म्यूजिक बनाने वाला बेवकूफ गधा नहीं था जिसने बनाया म्यूजिक, उसको 40 साल लग गए उसको बनाने में और ये एक्सरसाइजेज ढूंढने में, तभी तो वो म्यूजिक आपको स्लोली स्लोली करके हिप्नोटिज्म की अवस्था में लेके जाता है। और चूंकि आपको पहले से ही मालूम है कि आप ये एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो,
आपको चूंकि पहले से ही मालूम है कि एक्सरसाइज आप क्यों कर रहे हो, आप कौन सी कला को स्ट्रोंग करना चाहते हो, आप अपने मिड ब्रेन एक्टिवेशन को जागृत करने के लिए ये सब कर रहे हो, आपको मालूम है पहले से ही, तो आप ये समझो आप पूरी तरीके से हिप्नोटाइज हो चुके हैं। और उस अवस्था में जो है, ये अवस्था कौन सी अवस्था है दोस्तों, ये अवस्था वो वाली अवस्था है जब मेडिटेशन करता है व्यक्ति, तो उसके फायदे आप जान लेना कभी यूट्यूब पर, नहीं तो मैं बता दूंगा किसी वीडियो में। उसके इतने बड़े फायदे होते हैं कि सपोज करो जितना नींद आप पूरी रात भर में, जितना रिलैक्सेशन मिलता है आपको, जितनी बैटरी आपकी पूरी रात में सोने के बाद चार्ज होती है, उतनी बैटरी आपकी 15 मिनट के ध्यान से चार्ज हो जाती है। और आप इससे ज़्यादा ध्यान करते हो तो आपके ब्रेन के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जो भी बीमारी होगी ये वो अपने आप ठीक होने लगती है ऑटोमेटिकली। बड़ी से बड़ी बीमारी को मेडिटेशन के थ्रू ख़त्म किया जा सकता है, समझ रहे हो ना अब मेरी बात। अब आप समझोगे जैसे ही वो म्यूजिक बजता है, आप आधे से ज़्यादा म्यूजिक में आप हिप्नोटाइज हो जाते हो, फिर आप जो पड़े रहते हो वहाँ पे, ये जो एहसास है ना, ये इस स्थिति में रहने की वजह से ही आपके ब्रेन के सेल्स जो डैमेज हो चुके थे वो दोबारा बनने शुरू हो जाएंगे, वो दोबारा बनने शुरू हो जाएंगे, और इसीलिए आपका मिड ब्रेन फिर से एक्टिव होने लगता है। तो बड़े लोग भी इसको कर सकते हैं, छोटे बच्चों का पूरी तरीके से हेल्दी है, उनको कुछ खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो तो 2, 4, 5, 6 क्लास में ऑटोमेटिकली सब कुछ क्रियाएं करने लगते हैं, लेकिन बड़े व्यक्तियों को थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा समय लगता है, जो सेल्स डैमेज हो गए हैं उनको दोबारा से बनने में थोड़ा टाइम लगता है। और जब आपका मन ये मान लेता है, स्ट्रोंग फीलिंग होती है आपको कि यस आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, तो आपके ब्रेन के अंदर वे वाले सेल्स बनेंगे। और अगर आप कन्फ्यूजन में जी रहे हो, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, तो वे सेल्स आपके बनेंगे ही नहीं फिर, क्योंकि ब्रेन तक वो मैसेज जा ही नहीं रहा। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ अगर आपको रिजल्ट देर से आ रहा है तो आप प्लीज़ निगेटिव मत होना, अरे सर कुछ हो ही नहीं रहा, सर सर कुछ हो ही नहीं रहा, पहले 2 दिन तो हुआ सर, फिर उसके बाद एहसास नहीं हुआ सर, ठीक है ना। चूंकि आप बार 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 वो मैसेज अपने ब्रेन को, ठीक है मुझसे आपने बता लिया, लेकिन जिस तरह से आप मुझे बताते हो तो मैं सोचता हूँ भाई आप अपने दिमाग का क्या हाल करते होंगे भाई, फिर जब मुझे ही इतने सीरियसली बता रहे हो। और लोग बोलते हैं नहीं सर मैं पॉजिटिव तो बहुत हूँ, अब 1 घंटा पॉजिटिव है, तेरे को मालूम तो होना चाहिए पॉजिटिव रहने का मतलब क्या है। कुछ लोग ढिंढोरा पीटते रहे, नहीं नहीं सर मैं वैसे तो बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, अबे रो क्यों रहा है फिर मेरे सामने, तो ऐसे रोगे तो काहे की पॉजिटिविटी। तो भाई ठीक है मुझे बता लिया एक बार, ठीक है इट्स ओके, लेकिन अपने ब्रेन तक वो मैसेज मत डालो, क्योंकि उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उसको बस ये पता होना चाहिए कि यस आप कर सकते हो, तभी तो वो वाले सेल्स बनेंगे आपके अंदर। तो बी स्ट्रोंग एंड थोड़ा सा पेशेंस रखें, जो भी होगा आपके लिए वो बहुत बेहतर होगा। और भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना जरूर, ठीक है। और सुनो अभी सुनो बात खत्म नहीं हुई है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो इसी नाम से, क्योंकि अभी सुनो क्योंकि क्योंकि जब आप मुझसे कुछ सीख रहे हो, या बंदा किसी से भी अगर कुछ सीख रहा है, तो आप उसको हर एक प्लेटफॉर्म से जुड़े रहो, सिर्फ यूट्यूब के भरोसे ना रहो। यूट्यूब पर तो हूँ ही मैं, लेकिन इसके अलावा अलावा भी आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर फॉलो कर लोगे तो उसके बेनिफिट होते हैं। हर बार मैं कोई चीज़ वीडियो के थ्रू नहीं बता सकता, ठीक है ना, कुछ चीज़ें इंस्टाग्राम पे बता सकता हूँ, कुछ मैं फेसबुक पर भी बताऊँगा, ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें हैं, टिकटॉक पर बताऊँगा कुछ चीज़ें मैं, ठीक है। और थोड़ा सा नज़दीक से मेरी लाइफ को देखोगे कुछ आपको शायद और कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाइए और फटाक से मुझे फॉलो कर दीजिए, वहाँ वहाँ पर बातचीत भी करूँगा मैं आपसे, कुछ सवाल हो उसका भी जवाब दूंगा, ठीक है। और कुछ खरीदना वगैरह है तो ले लो भाई, तो ठीक है दोस्तों, ओके बाय बाय।